हेलो गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पैराडाइज कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वोकैबुलरी की एपिसोड 1 लेके चल रहे हैं। आज से हम एक तरफ से इसे भी कवर करेंगे, एक तरफ से ग्रामर का पोर्शन कवर हो रहा है, टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, और एक तरफ से 9th और 10th हिंदी मीडियम और 9th CBSE बोर्ड का भी जो सिलेबस है, सप्लीमेंट्री पोएट्री रीडर्स लिटरेचर जो है वो सारे चल रहे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं, रूट वर्ड से शुरू करेंगे ताकि, और एक दूसरे से इंटरलिंक करते चलेंगे ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का सेशन, आज का पहला रूट वर्ड है साइट। रूट वर्ड है साइट। तो ये साइट का मतलब आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, आई होप आप लोग इससे परिचित हैं। तो इस साइट का मतलब क्या होता है? हत्या। ठीक है, आपने सुना होगा, सुसाइड सुना होगा, ठीक है, मैट्रिसाइड सुना होगा, नियोफाइट सुना, नियो पैट्रिसाइड सुना होगा, रेजिसाइड सुना होगा, ठीक है, इन्फेंटिसाइड सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो आइए उसे कैसे एक लिंक के द्वारा उसे कैसे हम याद करेंगे, तो बस वो चीज़ें सीखनी है, आइए उसे सीख। ओके, तो आइए उन चीज़ों को लिंक करते हुए लिखते चलते हैं, और कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा, ये चीज़ें तुरंत ही याद भी हो जाएंगी अगर अच्छे से देखा आपने, समझने की कोशिश की। तो पहला वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एविसाइड। एविसाइड, अगर बाबू हम इस एविसाइड को तोड़ने की करें कोशिश करें तो एवी प्लस साइड, और साइड का मतलब आप जानते हैं क्या? किलिंग। और एवी का मतलब क्या होता है? बर्ड, बर्ड्स। ठीक है, तो इसे अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसे हम? किलिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, आइए सेकेंड को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा वर्ड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं लिख रहा हूँ एपी, एपी साइड। तो इसे भी अगर बाबू हम तोड़ने की कोशिश करें तो एपी, एपी कल्चर सुना होगा ना आपने, मधुमक्खी पालन जो होता है एपी कल्चर। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एपी प्लस साइड। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? एपी का मतलब क्या? बीच, अर्थात मधुमक्खियाँ, और साइड का मतलब क्या? किलिंग। तो क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ बीच, मधुमक्खियों की हत्या को हम क्या कहते हैं? एपी साइड कहते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, बायोसाइट। अगर हम बायोसाइट की बात करें तो बायो का मतलब आप क्या समझते हैं? प्लस साइट। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या? बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में किसकी बातें करते हैं? किसी भी क्रिएचर के लाइफ की बातें करते हैं, और साइट का मतलब क्या? किलिंग। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्या कह सकते हैं इसे? किलिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन क्या था, या फिर किलिंग ऑफ। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, क्या हो गया ये? बायोसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मैं आपसे कहूं अगर मैं कहूं फिलिसाइट, फोर्थ वर्ड इज फिलिसाइट। ठीक, तो फिली को हम रिलेट करें, फिली प्लस साइड, इसको ऐसे अगर दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करें तो फीलिंग का मतलब क्या? सन, और साइड का मतलब क्या? किलिंग। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये? किलिंग ऑफ वन सन। अगर कोई अपने पुत्र की हत्या कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? फिली साइड, किलिंग ऑफ ऑन सन।
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे मैट्रिसाइड, ठीक है, तो मैट्रिक का मतलब क्या? मैट्रिक का मतलब मदर, ठीक है, मैट्रिक का मतलब क्या? मदर, आमो टीचर। और साइड का मतलब क्या? किलिंग। तो इसे अगर हम एक वर्ड में कहने की कोशिश करें, अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, तो क्या कह देंगे? किलिंग ऑफ, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है, मैट्रिसाइड। मैट्रिक का मतलब होता है स्पाउस, मतलब प्रजाति की हत्या करना, किसी भी प्रजाति। स्पाउस का मतलब क्या होता है? प्रजाति भी होती है, माफ करिएगा, एक बार फिर से गलती हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, माफ करिएगा। मदर ही है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देंगे? किलिंग ऑफ मदर, मतलब कोई अगर अपनी माँ की हत्या कर दे तो उसे क्या कहेंगे? मैट्रिसाइड। ऐसे ही है, नेक्स्ट वर्ड देखने की कोशिश करते हैं। आज हम 10 वर्ड कम से कम सीखेंगे इससे। नेक्स्ट अगर हम कहने की कोशिश करें, इंसेक्टिसाइड। फाइव हो गया, सिक्स, इंसेक्टिसाइड, ठीक। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट तो आप जानते ही हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स, और साइड का मतलब किलिंग अर्थात हत्या, ठीक। तो इसको अगर हम कहने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं इसको? किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की हत्या। जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, कंबाइन से जो खेत करता है, जो भी खेत काट करता है, उसे क्या करते हैं लोग? जला देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड करते हैं। उसमें जितने भी यूजफुल और क्रिएचर्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, तो उसे लोग क्या करते हैं? जला करके उसे मार डालते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जला देते हैं, बहुत गलत करते हैं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा करे तो उसे आप मना करिए कि ऐसा ना करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैट्रिसाइड। ठीक, तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है बाबू, पैट्री का मतलब क्या? फादर, और साइड का मतलब आप जानते ही हैं, तो क्या कह देंगे इसे? किलिंग ऑफ फादर। अगर कोई अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे पैट्रिसाइड, उसे क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगर नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे नियोप्टिसाइड, ठीक है, तो आपने नियोप्टी का मतलब क्या? नेफ्यू, नेफ्यू जानते हैं, सब जानते हैं नेफ्यू। और प्लस साइड का मतलब क्या? किलिंग। तो नियोप्टिसाइड का मतलब हो जाएगा बेटा किलिंग, नेफ्टिसाइड का मतलब हो जाएगा क्या? किलिंग ऑफ वंस नेप्यू, क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, ठीक है, जो अपने नेफ्यू की हत्या कर दे उसे क्या कहेंगे? नेफ्टिसाइड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास होमिसाइड, ठीक है। तो अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करें, होमी का मतलब क्या? ह्यूमन, और साइड का मतलब क्या? किलिंग। तो जो ह्यूमंस की हत्या करते, जो मानव जाति की हत्या करे, उसे क्या कहेंगे? होमिसाइड कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? होमिसाइड कहेंगे। क्या कह सकते हैं इसका मतलब? ये इसे कह सकते हैं हम किलिंग ऑफ ह्यूमन, क्या कहेंगे? किलिंग ऑफ ह्यूमन। यहाँ देख लीजिए अच्छे से आएगा, किलिंग ऑफ ह्यूमन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आइए कुछ एक और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कहता हूँ इन्फेंटिसाइड, तो बेटा इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु या बच्चा, ठीक है, क्या होता है इन्फेंट का मतलब? शिशु या बच्चा, ठीक है।
और साइड का मतलब क्या, किलिंग, तो जो इन्फेंट की हत्या करे, जो इन्फेंट को किल करे उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इन्फेंटिसाइड। तो इसे क्या कहेंगे हम, किलिंग ऑफ इन्फेंट। ये कानूनन अपराध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है, बाकी राम जाने। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ बाबू, नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्या लिखा मैंने, सौरव, सॉरीरो साइड। तो सॉरीरो साइड उसे कहते हैं जो अपनी सिस्टर की हत्या कर दे, ठीक। ऐसा कोई भी पर्सन जो सिस्टर की हत्या करे, बहन की हत्या को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शरीरों साइट कहलाता है, ठीक है। तो शरीरों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर, और किलिंग साइट का मतलब आप जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, किलिंग ऑफ सिस्टर, ठीक। तो किलिंग ऑफ सिस्टर। तो इस प्रकार से हमने 10 वर्ड समझने की कोशिश की, ठीक है। आप चाहें तो इसे और भी वर्ड्स रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो कृपया उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला सबके पास तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।